महाराज गजब हो गया गजब। क्या हुआ चित्रगुप्त, ऐसे क्यों हाँफते हुए आए हो, बताओ हमें क्या बात है। महाराज आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज मुझसे जो हुआ है वो बहुत ही भयानक अंजाम दे सकता है। चित्रगुप्त ऐसा क्या कर दिया तूने जो ऐसे बोल रहा है, जल्दी बता मुझे। महाराज मैं सबके लेखा जोखा वाली भविष्यवाणी की किताब उठाकर रख रहा था, तभी वो मेरे हाथ से छूटकर पृथ्वी लोक पर जा गिरी। ये क्या कह रहा है तू, तुझे पता भी है उसमें सबका हिसाब होता है, उसमें सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है, और तूने वो किताब भूलोक में गिरा दी। इसके लिए तो ब्रह्मदेव हमें बहुत भयंकर दंड दे सकते हैं। महाराज तभी तो मैं घबराता हुआ आपके पास आया हूँ, देखो मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं। तेरी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे। अब ये नाटक बंद कर और जल्दी से ब्रह्मदेव के पास चल। चित्रगुप्त यमराज के साथ ब्रह्मदेव के सामने जाते हैं। क्या हुआ तुम दोनों को, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हें किस चीज की क्षमा चाहिए, ऐसा क्या अपराध कर दिया तुम दोनों ने? अब प्रभु मैं भविष्यवाणी को उठाकर रख रहा था और वो मेरे हाथों से फिसलकर पृथ्वी लोक में जा गिरी। ब्रह्मदेव क्रोधित होते हुए, तुम दोनों को एक काम दिया हुआ है और वो भी तुम लोगों से सही से नहीं होता। कभी किसी और के प्राण हर लेते हो तो कभी किसी निर्दोष को दंड दे देते हो। लगता है तुमसे तुम्हारा काम छीनकर किसी और को देना पड़ेगा। ब्रह्मदेव इतना क्रोध ना करें, हमें हमारी भूल को सही करने के लिए एक अवसर प्रदान करें। तुम्हारी भूल एक ही तरीके से क्षमा की जा सकती है। अब तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जाओ और उस किताब को लेकर वापस आओ। चित्रगुप्त और यमराज दोनों पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनको देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे ये देखो, ये ड्रामा कंपनी के लोग घूम रहे हैं। अरे भाई तुम सड़क पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ड्रामा कंपनी में जाना चाहिए था, तुम गलत जगह आ गए हो। दुष्ट मानव, हम चित्रगुप्त हैं और ये हमारे महाराज यमराज हैं। चित्रगुप्त की बातें सुनकर लोग हंसते हैं और तभी महाराज चित्रगुप्त को कहते हैं, चित्रगुप्त ध्यान लगाकर देखो भविष्यवाणी कहाँ गिरी है। महाराज मेरे ध्यान में आ रहा है कि वो यहीं आसपास कहीं बहुत बड़े बंगले में जा गिरी थी। तो फिर देर किस बात की है, चलो उसे उठाकर लाया जाए। चित्रगुप्त और यमराज दोनों बंगले के पास जाते हैं। अरे ये तो बहुत विशाल बंगला है, इसके गेट पर तो चौकीदार बैठा है, हम अंदर कैसे जाएंगे? महाराज अंदर जाना तो गेट से ही होता है, हमें दरवाजे से अंदर जाना होगा। हम इस चौकीदार से बोल देते हैं कि हमें अंदर जाना है। दोनों चौकीदार के पास जाते हैं। अरे सुनो सुनो, तुम दोनों अंदर कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा ड्रामा कंपनी का घर नहीं है, ये हमारे मालिक का घर है। बेटा हमारी भविष्यवाणी की किताब तुम्हारे बंगले की छत पर गिरी है, हमें उसे उठाकर लेकर आना है। अच्छा अब तुम्हारा नया ड्रामा शुरू हो गया, अरे जाओ भागो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। चौकीदार दोनों को भगा देता है। चित्रगुप्त हमें कोई दूसरी युवती लगानी पड़ेगी, ऐसे तो हम इस घर में प्रवेश ही नहीं कर सकते। महाराज जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। आपको याद है कि मानव को जब कोई चीज नहीं मिलती तो चोरी करने चला जाता है। अब हमें भी चोरों की तरह ही इस घर में घुसना होगा और किताब को उठाकर लेकर आना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा भी भला होता है क्या? तभी वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था, वे उन्हें देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और यह मेरा चित्रगुप्त, हमारे भविष्य की किताब यानी भविष्यवाणी किताब इस घर में जा गिरी है, हमें उसको लेकर आना है। हमें चौकीदार ने दरवाजे से अंदर जाने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए हम चोर की तरह घुसने का प्लान बना रहे हैं। पर चोरी करना गलत बात है, इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है अगर किसी ने देख लिया तो इसीलिए गलत काम मत करो। व्यक्ति ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। ये जेल क्या होती है महाराज? मुझे भी नहीं मालूम कि जेल क्या होती है, हो सकता है जैसे हमारे नर्क लोक में लोगों को कैद रखते हैं ऐसे ही पृथ्वी लोक पर भी कोई कैद करने का स्थान होगा। अगर हम पकड़े गए तो हम जेल भी देख लेंगे महाराज। चित्रगुप्त शुभ शुभ बोला करो, एक तो तुमने गलती की है ऊपर से ऐसी बातें बोल रहे हो। महाराज क्षमा करें। ठीक है पर अपना ध्यान भविष्यवाणी की खोज में लगाओ ना कि इधर उधर की बातों में। फिर दोनों दीवार के पास जाते हैं। यमराज चित्रगुप्त को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं।
चित्रगुप्त दूसरी तरफ से रस्सी महाराज तक फेंक देता है। अरे महाराज, इस रस्सी पर लटक कर इधर आ जाइए। यमराज रस्सी पकड़ कर लटकते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर छुपते छुपाते छत पर चले जाते हैं और किताब खोलने ही वाले होते हैं कि तभी चित्रगुप्त का पैर सायरन पर लग जाता है। वो सायरन बजने लगता है। यमराज और चित्रगुप्त को भागने की जगह नहीं मिलती और वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। चोर 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 चोर, घर में चोर। अरे हम चोर नहीं, हम यमराज हैं और यह हमारा चित्रगुप्त है। अरे तुम दोनों चोर यमराज को भी नहीं छोड़ते, बेशर्म कहीं के यमराज और चित्रगुप्त के भेष में चोरी करते हो। अभी तुम्हें पुलिस को पकड़ा देती हूँ। लोग पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस चित्रगुप्त और यमराज को पकड़ कर जेल में ले जाती है। यमराज जेल के अंदर से कहते हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हम तो अपनी भविष्यवाणी की किताब को उठाने के लिए वहाँ गए थे और तुमने यहाँ हमें कैद कर लिया। इस जगह को जेल कहते हैं और सारे चोर यहीं पर ही कैद रहते हैं। चित्रगुप्त, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ क्या क्या देखना पड़ रहा है, अब यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महाराज मैं क्या बताऊँ, अब आप ही कुछ सोचो यहाँ से कैसे निकला जाए। मैं इस जेल को तोड़ देता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। पर महाराज, यहाँ पर हमारी दिव्य शक्ति काम नहीं करेगी, ये धरती लोक है और जब तक हमारी भविष्यवाणी हमें नहीं मिल जाती तब तक हमारे पास हमारी शक्तियाँ भी नहीं होंगी। ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है, अब हम यहाँ से कैसे निकले। यमराज और चित्रगुप्त जेल में ही रहते हैं। इंस्पेक्टर आता है और यमराज और चित्रगुप्त को देख कर बोलता है, अरे तुम दोनों तो वही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि चोरी करना सही बात नहीं है, फिर भी तुम माने नहीं और चोरी करके आ गए यहाँ। अरे पुत्र, तुम तो जानते ही हो हम यमराज और चित्रगुप्त हैं, हमारी भविष्यवाणी उनकी छत पर गिरी थी, हम वही उठाने आए थे। मैं तुम चोरों को अच्छे से जानता हूँ, तुम सब बहाने बना रहे हो। हम कोई बहाना नहीं बना रहे, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो उस घर पर जाकर देखो, उसकी छत पर हमारी भविष्यवाणी की पुस्तक पड़ी हुई है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो एक बार जाकर देख ही लेता हूँ मैं। फिर इंस्पेक्टर उस घर में जाता है और छत पर जाकर देखता है, वहाँ सच में भविष्यवाणी किताब पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर उसे उठाकर लाता है। क्या यही है तुम्हारी भविष्यवाणी की किताब? हाँ यही है हमारी भविष्यवाणी की किताब, इधर दिखाओ। चित्रगुप्त इंस्पेक्टर से भविष्यवाणी लेकर यमराज के हाथ में दे देता है। भविष्यवाणी यमराज जी के हाथ में आते ही उनकी शक्ति वापस लौट आती है और वो गायब होकर जेल से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर कहता है, अरे यमराज जी, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, पर आप तो सच में ही यमराज और चित्रगुप्त ही हैं। पुत्र, तुमने हमारी मदद की है, जब तू ऊपर आएगा तो हम भी तेरी मदद करेंगे, अब हमें जाना होगा। इतना कहकर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। यशोधरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके सामने वो सच था जिसे वो लाख चाहने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे कहां और कौन सी ऐसी भूल हुई जिसकी इतनी भयानक सजा उसे मिली। भगवान, ये क्या कर दिया आपने, अरे क्या कर दिया, ये इतना बड़ा दुख इस उम्र में क्यों दे दिया, अरे क्यों दे दिया, सुन रहा है तू, अरे ऊपर वाले सुन, सुन इस माँ की पुकार को सुन और बता क्यों उजाड़ दी मेरी गोद तूने, क्यों। यशोधरा के घर के आगे उसके इकलौते जवान बेटे हरीश और उसकी पत्नी सीमा की लाश सफेद कपड़ों में लिपटी पड़ी थी। वो उन दोनों के खून से लथपथ शरीर को देखती और फिर दहाड़े मार कर रोने लगती। हरीश, अरे बेटा हरीश, उठना, उठ जाना मेरे बेटे, उठ जाना, अपनी बूढ़ी माँ को मत सता रे, अरे मत सता, बहू अरे तू तो उठ जा, समझाना मेरे बेटे को, देखना देखना वो आंखें नहीं खोल रहा, तू भी तो आंखें नहीं खोल रही, अरे उठना, क्यों इस बुढ़िया को तुम लोग रुला रहे हो, क्यों। काश कि मृत व्यक्ति अपने जाने के बाद अपने प्रियजनों की पुकार को सुन पाते, उनके आंसुओं को देख पाते और हाथ बढ़ाकर बहते आंसू को पोंछ पाते, लेकिन मृत व्यक्ति के लिए ये सब कहां संभव है। यशोधरा दहाड़ी मार कर रो रही थी, तभी घर के अंदर से उसकी 5 साल की पोती खुशी बाहर आई। दादी दादी, कहां हो तुम दादी। खुशी हरीश और सीमा की बेटी थी और उसके साथ विडंबना ये थी कि वो जन्म से ही देख नहीं सकती थी।
दादी दादी तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है दादी? खुशी अंदाजे से आगे बढ़ रही थी तभी अपने माता पिता के मृत शव से वो टकरा गई। दादी यहाँ पर क्या रखा है? यशोधरा बेचारी अपनी मासूम पोती की बातों का क्या जवाब देती? वो उसे कैसे बताती कि कुछ घंटे पहले उसके मम्मी पापा जो जीवित थे उनकी सांसें अब हमेशा के लिए रुक गई हैं। वो अब ना तो कुछ देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। 4 घंटे पहले की ही तो बात है। माँ माँ अरे कहाँ हो तुम? माँ रसोई में हो बेटा, बहू के साथ। हरीश रसोई में जाता है जहाँ उसकी माँ और पत्नी गाजर का हलवा बना रहे थे। हलवे की महक से हरीश के मुंह में पानी आ गया। गाजर का हलवा? माँ जल्दी से मुझे 2 खाने के लिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। बहू ये लो, आ गया घर का सबसे बड़ा बच्चा। ये कहकर यशोधरा ने प्यार से हरीश के कान खींचे तो हरीश ने कहा, आ क्या माँ ये क्या कर रही हो? अब मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जो मेरे कान खींच रही हो? अब मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है। हाँ हाँ पता है, लेकिन तू कितना भी बड़ा हो जाएगा मैं तेरे कान खींचना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि तू हरकतें ही ऐसी करता है। अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हें पता है तुम लोगों की शादी की सालगिरह के अवसर पर आज शाम मैंने पूजा रखी है। हाँ माँ वो तो पता है। पता है तो फिर पूजा का सारा सामान कहाँ है? तुझे पूरी लिस्ट दी थी ना? लिस्ट माँ वो यशोधरा समझ गई कि हरीश ने वो लिस्ट या तो खो दी है या उसे बाजार ले जाना ही भूल गया था। माँ वो क्या है ना, जो लिस्ट तुमने दी थी ना वो मैंने लाल वाली शर्ट के जेब में रखी थी, लेकिन वो शर्ट तो सीमा ने धो दी। हरीश की बात सुनकर सीमा उसे घूरने लगी। नहीं माँ मैंने कोई शर्ट नहीं धोई है, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम्हें कुछ याद थोड़ी रहता है, अरे कल ही तो धोई थी ना तुमने वो शर्ट। जानती है बहू, बचपन से आज तक इसकी आदत नहीं बदली है, हमेशा अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के माथे पर फोड़ देता है ये। सॉरी माँ वो ऐसा है कि वो लेशना मुझसे खो गई थी, जो भी सामान मुझे याद रहा वो मैं ले आया। अरे तू जो सामान लाया है वो 4-5 सामान ही है, मैंने पूरी लिस्ट दी थी तुम्हें। चल कोई नहीं बहू, एक काम कर, इसके साथ बाजार जा और सारा सामान लेकर आ, मैं हलवा बना कर रखूंगी। हरीश अपनी पत्नी सीमा के साथ बाइक में पूजा का सामान लाने निकल पड़ा। आज तो अपने माजी के सामने मुझे फंसा ही दिया था। अरे मैं क्या फंसाऊंगा, माँ तो हमेशा तेरा ही पक्ष लेती है, उन्हें हर चीज में मेरी ही गलती दिखाई देती है। वैसे इस बार गलती तो आपकी ही थी। दोनों बाइक पर बातें करते हुए जा रहे थे, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उनके आगे आ गया। हरीश जब तक कुछ समझ पाता वे दोनों ट्रक के नीचे आ गए। वो बहुत देर तक सड़क पर तड़पते रहे और लोगों से मदद मांगते रहे। भाई साहब कोई हमें अस्पताल पहुंचा दो। हरीश मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हिम्मत रख सीमा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हरीश ने खुद से उठने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उठ ना सका। थोड़ी देर बाद सीमा की आवाज आनी बंद हो गई। सीमा चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना सीमा। सीमा। लेकिन सीमा तो अचेत पड़ी रही। हरीश बहुत देर तक उसका नाम दोहराता रहा और फिर वो भी खामोश हो गया। हरीश और सीमा के मृत शरीर के पास यशोधरा अब निर्जीव सी पड़ी हुई थी। तभी एक बार फिर से उसकी पोती खुशी ने उससे पूछा, दादी मम्मी पापा मार्केट से कब तक आएंगे? आज शाम को पूजा है ना? उसकी बात को सुनकर यशोधरा ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा अब वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, वे दूसरी दुनिया में चले गए हैं। दूसरी दुनिया? ये कहाँ है दादी, मुझे भी वहाँ जाना है, मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती। यशोधरा फिर से खामोश हो गई और ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। ये उस माँ की शक्ति थी या कुछ और? यशोधरा ने देखा कि यमराज अपने भैंसे पर बैठे उसके बेटे और बहू के पास आ रहे हैं और फिर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन यशोधरा की ममता की ताकत ऐसी थी कि वो भी अपनी पोती के साथ यमराज के भैंसे की पूंछ पकड़कर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। क्या बात है, आज तुम्हारी गति बहुत कम है, अपनी गति बढ़ाओ, हमें यमलोक पहुंचना है। जो आज्ञा प्रभु। लेकिन यमराज के भैंसे ने अपनी गति लाग बढ़ाने की कोशिश की लेकिन गति नहीं बढ़ी। आसमान में उड़ते हुए यमराज ने फिर से भैंसे से वही बात कही, प्रभु मैं तो पूरे वेग में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है। तुम्हें खींच रहा है? कौन है वो?
ये कहकर यमराज ने पीछे की ओर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि भैंसे की पूंछ पकड़कर यशोधरा और उसकी पोती उनके पीछे आ रही है। कौन हो तुम लोग और इस तरह हमारे पीछे क्यों आ रही हो? ये बिल्कुल सही नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ। मैं वापस लौटने के लिए नहीं आई। क्या मतलब वापस लौटने के लिए नहीं आई? मैं अपने बेटे और बहू को वापस ले जाने के लिए आई हूँ। बेटा, बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा और बहू को वापस ले जाने के लिए मेरे पीछे क्यों आ रही हो और साथ में इस छोटी सी बच्ची को भी लेकर जा रही हो? सुनो, वापस लौट जाओ। भगवान, मैंने कहा ना, मैं अपने बेटे और बहू के बिना वापस नहीं जाऊंगी। कहाँ है तुम्हारे बेटे और बहू? आपके पास। आप अभी उन दोनों को धरती लोक से अपने साथ लेकर आए हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारे बेटे और बहू हैं, लेकिन इनकी मौत तो आज तय थी और मौत के बाद किसी की वापसी नहीं हो सकती। ये नियमों के विरुद्ध है। क्षमा करिए भगवान, नियम तो आपने तोड़ा है जो इस बुढ़िया के सहारे को छीन कर ले आए। नियम तो आपने तोड़ा है कि आपने तनिक भी ये नहीं सोचा कि इन दोनों की मौत के बाद मेरा परिवार टूट जाएगा। देखो, नियति को हम नहीं बदल सकते। ठीक है, मत बदलिए नियति को, लेकिन जिस तरह मेरे बेटे और बहू की मौत आज तय की है आपने, वैसे ही मेरी मौत भी तय कर दीजिए। मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, क्योंकि इनके बिना तो मैं मरी हुई ही हूँ। यमराज यशोधरा की बातों को सुन ही रहे थे तभी खुशी ने भी कहा, भगवान जी, मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती। भगवान, इस बेचारी को तो आपने जन्म से ही अंधा बना दिया। इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बार आपकी जाति ये भी नहीं सहेगी। हम दोनों को मार दीजिए, मार दीजिए हमें। यमराज बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। एक तरफ एक बूढ़ी असहाय माँ थी तो एक तरफ एक दृष्टिहीन छोटी सी बच्ची। आखिर उन्होंने एक फैसला लिया। जाओ, मैं तुम्हारे माता और पिता को आजाद करता हूँ और हाँ, तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अब देख सकोगी। ये कहकर यमराज ने खुशी की आंखों की तरफ देखा। एक ज्वाला सी उनकी आंख से निकली और वो सब कुछ देखने लगी। कुछ ही पलों में यशोधरा और खुशी धरती लोक पर थे। सीमा और हरीश भी होश में आ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में थे। तभी खुशी चिल्लाते हुए बोली, दादी, पापा, मम्मी, मैं देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हरीश और सीमा अपनी बेटी को गले लगाकर रो रहे थे। उनकी आंखों में लेकिन खुशी के आंसू थे। यशोधरा अब भी ऊपर आसमान की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे, आंसू उस खुशी के जिसे यमराज ने वापस कर दिया था। सुबह ने अपनी दस्तक दे दी थी क्योंकि सूरज आसमान में दिखाई देने लगा था, हर ओर उजाला फैलने लगा था। लेकिन उस दिन का सवेरा फूल कुमारी पर कितना भारी पड़ने वाला था उसे क्या पता था। उसकी दूध मुही बच्ची सोई हुई थी और वो घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसे अपने घर के बाहर लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे, ये सुबह सुबह कैसा शोर? वो ये सोच ही रही थी कि तभी कई सारे लोग उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे और गुस्से में उसे पुकारने लगे। अरे फूल कुमारी, निकल बाहर, निकल, जल्दी निकल, नहीं तो हम तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ देंगे। गांव वालों के शोर और दरवाजे पर हो रही जोर जोर से दस्तक के कारण फूल कुमारी की बेटी की नींद खुल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। फूल कुमारी जल्दी से उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया और अपनी बच्ची को चुप कराने लगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, क्या हुआ, क्यों रो रही है, माँ है ना? वो अपनी बच्ची को चुप करा रही थी, उधर गांव वाले गुस्से में दरवाजा पीट रहे थे। ये ऐसे नहीं मानेगी गांव वालों, तोड़ दो दरवाजा। तभी फूल कुमारी ने अपनी बेटी को हाथ में लिए दरवाजा खोला। बाहर का दृश्य काफी डरावना था। गांव वाले अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर खड़े हुए थे, कुछ ने तो हाथों में पत्थर भी उठा रखे थे। फूल कुमारी उनसे कुछ कहती तभी किसी ने एक पत्थर उसकी ओर फेंका जो सीधा उसके सर पर जाकर लगा। उसके सर से खून बहने लगा, वो दर्द से कराहने लगी। आह, आह। लेकिन लोगों ने उसके दर्द की कोई परवाह नहीं की। भीड़ का नेतृत्व कर रहे गांव के मुखिया ने गुस्से में चीखते हुए कहा, ए फूल कुमारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गांव की परंपरा को तोड़ोगी? सैकड़ों सालों से जो नियम इस गांव में चला आ रहा है उसे दरकिनार कर दोगी, हाँ, और अपनी मर्जी की चीज करोगी? मैंने क्या अपनी मर्जी की है? देख, ज्यादा भोली मत बन,
हम सब जानते हैं कि तू क्या कर रही है। तू अभी वो काम रोक दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हाँ, लेकिन फूल कुमारी मुखिया की धमकी के आगे बिल्कुल नहीं डरी और उसकी आंखों में आंख मिलाकर कहा, सैकड़ों सालों से जो बुराई इस गांव में चली आ रही है उसका हिस्सा मैं नहीं बनूंगी। गांव वालों, फूल कुमारी पागल हो गई है। ये सदियों से चले आ रहे गांव के नियम के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसीलिए इसे इस बात की सजा दी जाए। आज तक इस गांव में किसी ने शौचालय नहीं बनाया, लेकिन इसने शौचालय बनाने की हिम्मत की है। गांव वालों, सबसे पहले तो इसके घर के उस शौचालय को तोड़ा जाए जो इसने बनाया है, और फिर इसे मार मार कर गांव से निकाल देंगे। मुखिया जी का ये कहना ही था कि गांव वाले फूल कुमारी के घर में बने कुछ दिन पहले ही शौचालय को तोड़ने लगे, कोई हथौड़े से उस पर वार करता तो कोई पत्थर से। उसे ये करता देख फूल कुमारी भाग कर अपनी रसोई में गई और वहाँ रखा एक बड़ा सा चाकू उठा लिया और गुस्से में उन गांव वालों के सामने खड़ी हो गई। खबरदार जो किसी ने मेरे शौचालय को गिराने की कोशिश की। जुल्म सहना गुनाह है, मैं जुल्म नहीं सहूंगी। शौचालय बनाकर मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने अपनी बेटी और खुद को सुरक्षित किया है। महीने भर पहले की बात है, फूल कुमारी की 6 साल की बेटी गुनगुन के पेट में बहुत जोरों का दर्द उठा। फूल कुमारी अपनी दूध मुही बच्ची को उस समय सुला ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी गुनगुन ने उसे आवाज देते हुए कहा, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, माँ। फूल कुमारी ने घरेलू उपचार किए, लेकिन गुनगुन के पेट के दर्द में कोई राहत नहीं मिली। माँ, कुछ करो ना, माँ पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ। कुछ देर बाद उसे पेट दर्द के साथ उल्टियाँ भी शुरू हो गई। थोड़ी थोड़ी देर में उसे उल्टियाँ होने लगी। 5-6 उल्टी करने के बाद वो बिल्कुल बेसुध सी बिस्तर पर लेट गई। उसकी सांसें धीमी धीमी चलने लगी और कुछ पलों में उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। गुनगुन, बेटा गुनगुन, उठ ना बेटा, क्या हुआ गुनगुन? लेकिन वो बिना हिले डुले पड़ी रही। फूल कुमारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भाग कर अपने पड़ोसी रामलाल के पास गई। रामलाल भैया, भैया वो गुनगुन को देखो ना, उसे क्या हो गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। रामलाल फूल कुमारी और उसकी बेटी को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने गुनगुन की जांच की और उसे तुरंत एडमिट कर लिया। गुनगुन का इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर की लाख कोशिश के बावजूद भी। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बची। अपनी मृत बच्ची के शरीर को सीने से लगाए फूल कुमारी दहाड़े मार कर रोने लगी। अरे मेरी गुनगुनिया, अरे ये क्या हो गया रे तुझे, क्या हो गया, तू आंखें बंद कर लेटी है, देखना देख, तेरी माँ रो रही है, तेरी छोटी बहन मेरी गोद में बैठी तुझे घूर रही है, तू बहुत प्यार करती है ना इसे, उठाना इसे, प्यार करना, अब तो प्यार करना इसे बच्चे, गुनगुन। लेकिन मृत लोग कहाँ सुन पाते हैं किसी की पुकार, कहाँ देख पाते हैं अपनों के आंसू, वो तो बस चुपचाप चले जाते हैं दूसरी दुनिया में। तुम धीमा गांव की हो क्या? जी डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता लगा? फूल कुमारी, तुम्हारी बच्ची बच सकती थी, लेकिन लगातार गंदा पानी और शौच वाला पानी उसके पेट में जा रहा था, जिससे उसकी आंतें संक्रमित हो गई थी। जानती हो हर महीने तुम्हारे गांव से कोई ना कोई पेट की बीमारी लेकर यहाँ आता है और मैं उन्हें शौचालय बनवाने की सलाह देता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं। शौचालय? फूल कुमारी के गांव में एक भी शौचालय नहीं था। लोग खुले में शौच करने में उन्हें काफी आनंद आता था। खुले में शौच करने का मजा ही कुछ अलग है हरिया, एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है और हम हल्के होते रहते हैं। ठीक है बिरजू, एकदम बढ़िया। शौच के बाद वो अपने गंदे हाथों को नदी के पानी में धोते, उसी पानी को गांव वाले पीते, खुले में किए गए शौच पर मक्खियां भिनभिनाती और उस पर बैठती थी और फिर लोगों के खाने पर जाकर बैठ जाती थी। मक्खियों के पंखों में शौच लगा हुआ वही खाना लोग खाते, इससे लोगों में बीमारियां भी होती, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि बीमारियों का कारण क्या है, वो तो उसे कोई ऊपरी हवा मानते थे। फूल कुमारी, शौचालय का घर में होना बहुत जरूरी है,
अब तो सरकार भी इसे बनाने के लिए पैसे देती है। देखो तुम लोग गांव में शौचालय बनवाओगे नहीं तो बीमारी का प्रभाव धीरे धीरे पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेगा और लोग हर समय बीमार ही पड़ते रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। फूल कुमारी कई दिनों से यही सच सबको बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। मुखिया जी, आप पर पूरे गांव की जिम्मेदारी है, फिर क्यों ढो रहे हैं आप ये गलत प्रथा। पिछले महीने सरजू की बेटी मुश्किल से बची, राजकुमार एक महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा, आपकी पत्नी भी तो पेट दर्द के कारण मर गई थी, और ये सब हो रहा है गांव में सिर्फ शौचालय ना रखने के कारण। तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे जिस घर में हम खाना खाते हैं वहाँ शौचालय कैसे बना सकते हैं? बकवास नहीं, ये सच है सच। खाने से शौचालय का क्या लेना देना, शौचालय बीमारियों से बचाता है। भगवान के लिए आप लोग ये बात समझ जाइए कि शौचालय नहीं होने का खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। फूल कुमारी की बात पर जब सभी लोगों ने गौर किया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के वो लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया था उनका चेहरा उनकी आंखों के आगे आ गया। मुखिया जी भी बहुत शर्मिंदा हुए। फूल कुमारी, तुम सही कहती हो, हम लोग एक बुराई के साथ जी रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बुराई के साथ जीने से उसकी आदत पड़ जाती है और वही अच्छाई लगने लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे हमें नष्ट कर रही होती है। गांव वालों, फूल कुमारी का शौचालय नहीं टूटेगा, उल्टा हम सभी इसका शौचालय बनाएंगे जिसे हमने नुकसान पहुंचाया है। और आज से सभी लोग ये कसम खाते हैं कि हम खुले में शौच नहीं करेंगे और सभी लोग अपने घर में शौचालय बनवाएंगे ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। उस दिन के बाद से तो पूरा गांव ही बदल गया। धीरे धीरे लोगों की बुरी आदत छूट गई। आज उस गांव के हर घर में शौचालय है और सभी सेहतमंद रहते हैं।